नमस्कार दोस्तों, एसपेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि NICU का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो फाइनल रिजल्ट मेरा ये रहा कि मेरा इस बार भी नहीं हुआ फाइनल रिजल्ट में, मतलब नाम नहीं आया लिस्ट में। बट कोई बात नहीं, आगे के अभी इस साल के एग्ज़ाम्स हैं तो वो क्रैक करेंगे कोशिश और प्रिपरेशन लगातार रेडी रखेंगे। बट थोड़ा तो डिमोटिवेट फील होता है, लेकिन कोई बात नहीं, होएगा इस साल, होएगा ज़रूर होएगा। तो इस बार फाइनल सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। हार नहीं माननी है और ना हार मानने दूंगा, मतलब अभी भी जान है, जब तक तो जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बस हमारा अभी तक यही एजेंडा है, ठीक है। और बाकी जिनका हो गया उनको वेरी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बहुत आखिर तक मेहनत करी है टॉप 300 में आने के लिए। बाकी फिर भी एक चांस रहता है कंटिजेंसी लिस्ट का कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं करेगा वो उनके रिप्लेस में आएंगे, बट उसमें भी मेरे बहुत कम चांसेस है, मुझे लग नहीं लगी हो पाए क्योंकि वो टोटली लक पे बेस्ड है, ठीक है। बट फिर भी हम उसके भरोसे नहीं बैठेंगे। हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो कि ESIC SSO, उस पर मैं फोकस करूँगा और उसके मार्क्स देंगे, ठीक है। और फिर मैं अपने स्कोर शेयर करूँगा, इस बार बिल्कुल डबल जान लगा देंगे बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन देने में, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। बाकी जिनका हो गया उनको अगेन कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। बस यही बताना चाहते हैं और एक और बताना चाहूँगा, ना मेरा इस बार ESIC UDC हुआ है, ना RBS स्टेंट हुआ है और ना ही NICL हुआ है फाइनल फाइनल में, क्या करें। चलो कोई बात नहीं है, डिमोटेड फील नहीं होना है। फ्यूचर में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, मतलब भगवान ने क्या लिखा है कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पे।